हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या चक्कर हुआ भाई, ये सिटी के जो ड्राइवर हैं। बस अभी हमारा पिज्जा आ चुका है, बिल्कुल भाई फुली रिकमेंडेड है। हमने जितने भी आइटम्स खाए इनकी मेरे को काफी टेस्टी लगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज आ गया हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं जम्मू में। जम्मू में आज हम एक कैफे को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है पिज्जा बस्ट। तो आज हम आपको पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे उस कैफे को। काफ़ी अच्छे कैफे है, मैं एक बार वहाँ पर होके आया हूँ, तो आज मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरा भाई भी जा रहा है, उससे भी मैं आपको मिलाऊंगा बाद में। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़े से रोड के शॉट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मिलूंगा आगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सांबा में। तो भाई आप देख सकते हो सांबा का फ्लाईओवर कितना प्यारा फ्लाईओवर लग रहा है। बिल्कुल भाई इसने सांबा की शान बना दी है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखिए पूरा सांबा दिखाई देता है यहाँ से। ये तकरीबन भाई कोई 1.5 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच होगा ये फ्लाईओवर का, पूरा सांबा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं विजयपुर में। तो आप सामने देख सकते हो हमारे जम्मू का एम्स भाई रेडी हो गया है। ये भी काफ़ी सही लग रहा है देखने में। तो भाई मेरे को लग रहा है इस साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अभी हम आपको आगे मिलेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं विजयपुर में। तो आप देख सकते हो रोड का काम कितना लगा हुआ है, और साथ में देखिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यार इस बार। इस बार क्या भाई, जब भी आप जम्मू वाली साइड आ रहे हो तो आपका 1 घंटा तो लगेगा एक्स्ट्रा। तो भाई जब ये रोड बन जाएंगे फिर काफ़ी मज़ा आएगा। आप जम्मू में सांबा से जम्मू आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी हम आगे कुछ दिखाने वाला होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो सीधा हम आपको कैफे के बाहर ही मिलेंगे। भाई वो आप ये सामने होटल देख रहे हो, किसी दिन हम जहाँ का भी रिव्यू दिखाएंगे आपको। भाई सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा होटल है, मैं एक बार गया था यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए, मेरे को काफ़ी सही लगा। तो अगली बार मैं जब जाऊँगा तो मैं जहाँ पर ब्लॉग जरूर बनाऊँगा, आप वेट कीजिएगा तब तक। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी ब्रह्मणा में। तो जाम काफी लंबा लगा हुआ है यहाँ पे, हमें आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़ा होके, बट जाम अभी तक लगा हुआ है। गाइस अभी हम जम्मू पहुंच चुके हैं, तो अभी हमने लोकेशन लगा दी है पिज्जा बस्ट की। तो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं जहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दिखा रहा है, बस जहां से हम पहुंच जाएंगे पिज्जा बस्ट के बाहर, फिर आपको मिलेंगे सीधा दिखाएंगे पिज्जा बस्ट के अंदर बैठ के, दिखाएंगे आपको क्या क्या आइटम रखी हुई है वहाँ पे उन्होंने। भाई काफी अच्छा ब्लॉग होने वाला है, आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए अभी आपको मिलेंगे हम थोड़ी देर में। भाई मैंने बोला था ना आपको मिलाऊंगा मैं अपने भाई से, तो देखिए अभी मैं मिलाता हूँ। भाई ये काफी तंग आ चुके हैं। भाई क्या चक्कर हुआ भाई, ये सिटी के जो ड्राइवर हैं के। भाई ये मेरे ब्लॉग फैमिली वाले देखते हैं, भाई क्या बात कर रहे हो। भाई जब से मैं इसके साथ बैठा हुआ ना भाई, मेरे को डर लग रहा है कहीं पे हमारा पंगा ना हो जाए। भाई कोई भी अगर कोई भी आगे पीछे गाड़ी कर रहा है तो भाई उसको गफा जला रहा है। अभी मेरे को डर लग रहा है कहीं उसने सुन लिया। गलत ड्राइविंग वालों को गफे दे रहा हूं, ऐसे में गफे देता मैं तो। वही गलत वालों का भाई, अगर कोई सनकी होगा तो वो आगे लड़ेगा हमारे साथ। लड़ेगा तो मैं हम कम है कि ऐसे दो खट्टे-खट्टे बंदे आए हुए हैं। वो इसकी वजह से भाई मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मेरे को नहीं मार पड़ जाए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पिज्जा बस्ट, हम शास्त्री नगर आए हुए हैं, आप देख सकते हो सामने। अभी हम अपनी गाड़ी को पार्क लगा देते हैं कहीं पे, फिर चलेंगे खाने के लिए। तो गैस इस कैफे के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, तो भाई लोगों ये मैं बता दूं आपको, ये एक बूफे रेस्टोरेंट है 225 में, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। गार्लिक ब्रेड मिलेगी, 4 टाइप के पिज्ज़ा मिलेंगे और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। तो भाई ये मैं बता दूं आपको, ये अनलिमिटेड है भाई, आप जितनी बार चाहो इसको रिफिल कर सकते हो। और लास्ट में जब आपका खाना पीना कम्प्लीट हो जाए तो लास्ट में आपको ये डेजर्ट भी देंगे। डेजर्ट में ये आपको देंगे ब्राउनी देंगे, और उसके बीच में 1 स्कूप आइसक्रीम देंगे। तो भाई पहली प्लेट मैंने ले ली है, तो सबसे पहले मैंने ले ली है थोड़ी सी
माइक्रोनी, चिली पोटैटो और साथ में स्प्रिंग रोल, और ये मेरी फ्रूट क्रीम। भाई मेरे को इनकी माइक्रोनी और फ्रूट क्रीम काफ़ी टेस्ट लगी, तो अभी मैं स्प्रिंग रोल ट्राई करता हूँ उनके मेयोनीज और साथ में क्रीम लगा के। इस बार मैंने लिया है पाव भाजी और साथ में लिया है कॉर्न और फ्राइड राइस और मंचूरियन, तो इसको ट्राई करके मैं बताऊंगा आपको मेरे को कैसा लगा। भाई कैसा लगा यहाँ पे टेस्ट आपको? अभी बढ़िया है। तो बढ़िया बिल्कुल भाई, 250 रुपये में इतना कुछ दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि भाई 250 रुपये का तो पिज्ज़ा भी नहीं आता इधर। बिल्कुल, तो राहुल जी ने ये प्लेट सजा ली हुई है। राहुल जी क्या क्या लिया आपने, आप बताइए। मैंने लिया हुआ है पाव भाजी लिया, फ्राइड राइस और मंचूरियन लिया और साथ में कॉर्न लिया, वो भी मैं फ्राइड राइस और मंचूरियन टेस्ट करके बताता हूँ आपको मेरे को कैसा लगा। जी भाई काफ़ी टेस्टी है भाई, एक बार मैं पहले भी आया था, जैसा पहला टेस्ट था वैसा ही टेस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है भाई, काफ़ी सही है। तो भाई चलिए अभी मैं इनका पाव भाजी टेस्ट करता हूँ। भाई पाव भाजी इनकी ओके ओके है, बाकी मंचूरियन और फ्राइड राइस काफ़ी सही है और कॉर्न भी इनके काफ़ी सही लगे मेरे को। चलिए अभी कुछ और रिफ़िल करवाऊंगा तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने फिर से रिफ़िल कर लिया, मेरे को माइक्रोनी काफ़ी टेस्टी लगी, मेरे को थोड़ा मीठा मीठा फ्लेवर आ रहा है इसमें, और ये फ्रूट क्रीम मैंने फिर से ले लिया और साथ में कॉर्न भी ले लिया मैंने, ये भी स्वीट्स कॉर्न है, इसमें मेरे को मेरे ख्याल में इन्होंने मेयोनीज ऐड की हुई है जिससे मीठा हो गया ये, तो मैं फिर से रिफ़िल कर लिया। तो चलिए अभी खाते हैं इसको। वैसे अभी हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है भाई, कौन सा पिज़्ज़ा है? मार्गरेटा, चीज़ मार्गरेट भाई पिज़्ज़ा आ गया, देख सकते हो आप कितना प्यारा दिख रहा है दिखने में, अभी टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा टेस्ट इसका। होती हो चीज़ भाई, कितना भर भर के चीज़ डाला हुआ है इन्होंने, चीज़ में कोई कंजूसी नहीं की है इन्होंने, बाकी अभी टेस्ट करके बताएंगे और नीरज भाई का रिव्यू लेंगे। सोच रहे होंगे कि इन्होंने आपको सिर्फ एक ही स्लाइस दी, भाई स्लाइस आपको एक एक करके देंगे ये गर्मा गर्म, बाकी आपकी मर्जी, आप जितना खाना चाहो खा सकते हो। बाकी नीरज भाई का रिव्यू लेते हैं। बहुत ही लाजवाब भाई, बिल्कुल टेस्टी है भाई, 10 में से 9 नंबर है भाई इसको। दूसरा पिज़्ज़ा आ गया भाई, कौन सा है? फ्रेश वेज। और दूसरा पिज़्ज़ा फ्रेश वेजिस, इसको भी ट्राई करेंगे। 4 किस्म का पिज़्ज़ा मिलेगा आपको जहाँ। अभी तक हमने जितने भी आइटम्स खाए इनकी मेरे को काफ़ी टेस्टी लगी, पाव भाजी में थोड़ी सी कमी है इनकी, बाकी ऑल ओके, मेरी तरफ से फुल रेकमेंड है। तो भाई ये रहा इनका मेन्यू, आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो आप। भाई कौन सा है? डबल लेड़े हम से। ठीक है भाई, भाई हमारा फिर से पिज़्ज़ा आ गया, 3rd पिज़्ज़ा आ गया हमारा, इसको भी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। भाई चीज़ की क्वान्टिटी देखिए आप, भर भर के चीज़ डली हुई है। ये हमारा 3rd पिज़्ज़ा आ गया, इसमें ये बोल रहे हैं डबल लेयर है भाई, देखिए नीचे ही ब्रेड है, ऊपर भी ब्रेड है, बीच में इन्होंने स्टफ़ किया हुआ है, मेरे ख्याल में लिक्विड चीज़ डाली हुई है। तो चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं और आपको दिखाएंगे। 225 रुपये में आपको इससे ज़्यादा वैरायटी कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये सिर्फ ये ही करवा सकते हैं आप जहाँ पर आइए। भाई ये नहीं है कि मेरे को ये स्पॉन्सर वीडियो स्पॉन्सर नहीं है भाई, मैं इसकी पेमेंट करूँगा, बट मेरे को यार सही लगा, जो चीज़ सही है उसका रिव्यू देना ज़रूरी है, तो मेरे को यही है। बाकी वे लोकेशन आप गूगल पे देख सकते हो, इनका एक शास्त्री नगर में है और एक शालामार में है, तो अभी हम शास्त्री नगर वाले में हैं, अभी सुबह सुबह हम आ चुके हैं तो यहाँ पर रश कम है। तो भैया फिर से आगे पिज़्ज़ा लेके, भाई कौन सा है? गार्लिक ब्रेड। तो भाई अभी आ गई गार्लिक ब्रेड हमारी, ये देखिए भाई हमारी गार्लिक ब्रेड। ठीक है गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, पेट पूरा फुल हो चुका है, तो चलिए अभी हम चलते हैं सीधा घर को,
और आपको मिलेगी आगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।